मैंने ऐसा क्या खाया जिसको खाकर मेरी हालत इतनी खराब हो गई और मेरे कानों से धुएं निकलना स्टार्ट हो गए। तो आज मैं गई आरिफ चिटखारा जो कि टक्साली गेट के पास अंदरून लाहौर में है। ट्राई तो मैं इसको कब से करना चाह रही थी, लेकिन आपको पता है कि मुझे मिर्चों से एलर्जी है, लेकिन आप लोगों के लिए कंटेंट भी तो बनाना है। इनका जो ज्यादा फेमस है वो है इनका तवा पीस जो तकरीबन 700 का है। इसमें आपको चॉइस भी मिल जाती है कि आप चेस्ट का पीस करवाना चाहते हैं या लेग का। हरी मिर्चे तो ये ऐसे डाल रहे थे जैसे इनका गार्डन है और इनको फ्री में मिलती है। भाई इतनी मिर्चे, इनके पास मलाई वाला तवा पीस भी होता है। इसके अलावा इनके पास कलेजी भी थी और कीमा भी था। कीमा मुझे देखने में बहुत मजे लग रहा था लेकिन मिर्चे दोनों में सेम थी, इस वजह से मैंने कहा ये ना हो फिर खाया ना जाए। लूडो तो इन लोगों ने टेबल्स पर बना दी थी, साथ में बंदा घीटिया भी रख देता है। शुगल मेला थे बाकी मैंने नहीं पता। खैर हमारा तवा पीस आ गया था जिसको देख कर ही मैं डर गई थी यार, उसके ऊपर ही इतनी मिर्चे थी और साथ में ये रोटी थी जिसमें से आप एक दूसरे को देख सकते हो। खैर जब मैंने तवा पीस को टेस्ट किया तो ओ माई गॉड यार, इतनी ज्यादा मिर्चे थी ना कि मैंने आज तक इतनी मिर्चे कभी नहीं खाई। और मैं ये हैरान थी कि वहां पर बैठे हुए बच्चे इतने मजे से खा रहे थे यार, सच में पंजाबियों का बड़ा हौसला है। खैर मैंने दही से ही पी के खुद को ठीक किया। अब बारी थी कोमल की। अब इसको तो पहले ही पता लग गया था तो इसने दही के साथ उसको टेस्ट किया और कहती कि दही के साथ इसका टेस्ट ठीक है, लेकिन मजा तो तब आता है जब मिर्चे अंदर जाके लगती हैं। खैर पानी से काम नहीं चल रहा था तो हमने इनकी खीर भी ऑर्डर करवा ली। वैसे इतने चलाक है ना, इनको पता है कि मिर्चे लगनी है तो साथ में खीर का भी इंतजाम किया हुआ है। इन लोगों ने लिखा हुआ था कि शादी ब्याह की तकरीबात में भी हम आते हैं, तो पर्सनली मैं इनको अपनी शादी में बुलाना चाहती हूँ ताकि मेरे रिश्तेदार भी इस तवा पीस को एंजॉय करें। एंड पर हमारा बिल ये बना था। बाकी मुझे इंस्टा पर भी फॉलो कर दो और इस वीडियो को लाइक कर देना।